नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है। सो बच्चों, आज का वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया और अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो 10th गुजरात बोर्ड के अंदर, या गुजरात बोर्ड की अगर बात करती हूँ, तो जो बच्चे फेल हो जाते हैं एक या दो सब्जेक्ट में, तो उनको बोर्ड जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि ठीक है, आप एक बार और चांस ले लीजिए, एक बार आप और एग्जाम दे दीजिए, अगर आपने अच्छा है स्कोर किया तो हम आपको पास करके 11th में प्रमोट कर लेंगे। ओके, तो एक चांस हम लोगों को दिया जाता है बाय द बोर्ड। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी जो बच्चे एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तीन चार वाले नहीं, तीन चार वालों को पूरा साल रिपीट करना होगा। ओके, बट एक और दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं बच्चे, या तो फिर एक या दो सब्जेक्ट में सपोज कि वो एब्सेंट रहे हों, ठीक है, कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसा इंसिडेंट हो चुका हो उनके घर पे और वो नहीं एग्जाम सेंटर में पहुंच पाए हों एक या दो सब्जेक्ट वाले, तो उन बच्चों के लिए भी मौका आ जाता है कि वो एग्जाम देकर अपनी शीट को एक सही तरीके से कवर अप कर पाए। तो अब इसको हम लोग कहते हैं पूरक परीक्षा और सप्लीमेंट एग्जाम। ओके, ये तकरीबन जुलाई में लिया जाता है। तो जैसे कि 25 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो मई तो अपन इसको भी मान ही नहीं रहे, तो जुलाई आपके पास है और जून आपके पास है, और जुलाई में तकरीबन 10-15 के आसपास, आप 15 जुलाई समझ के चलिए, आपको कुछ सवा महीना या 1.5 महीना जो है वो बोर्ड देता है फॉर द प्रिपरेशन। तो आपका रिजल्ट आ चुका है, अगर आप फेल है, अगर आपने स्कोर अच्छे से नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास 1.5 मंथ जितना है, गो फॉर इट बच्चा, और अच्छे से मेहनत करके अपने रिजल्ट को सुधारो। क्यों, इसमें अगर आप जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे, ठीक है, तो आपके दो मार्कशीट्स बनेंगे जो अच्छा नहीं दिखता है। तो अगर आपके पास चांस है अपनी भूल सुधारने का, जो शायद हमने कर ली और हमसे लाइक अनजाने में भूल हो गई और हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, तो वो भूल सुधारने का भी आपको मौका दिया जाता है। तो इसका जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन ही आपको फिल करना होगा। अगेन द सेम वेबसाइट इज दैट www.gsab.org, उसमें आप जाके अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शायद चाहिए होंगे, तो आपके स्कूल का आपको हेल्प लेना होगा। अभी तक वो पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, अगर वो ओपन हो जाता है तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पूरा मैं आपको समझाती जाऊंगी, बट अभी वो ओपन नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकल थोड़ा बता देती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं फीस की बच्चा, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 130 रुपीज़ फी आपको पे करनी होगी, ऑनलाइन मोड ही है वो भी पेमेंट करने का। अगर आप दो सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 185 रुपीज़ है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी कई बार उन बच्चों के लिए भी होती है, कहते हैं कि भाई आपने जो रिजल्ट इच्छा थी और उसमें थोड़ी कम आई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी को है कि नहीं मेरी 85%, लाइक उसको 95 जितने चाहिए होंगे, उसके कुछ 88 आए होंगे, उसका ऐसा होगा कि नहीं मुझे और, मुझे वो मेरा टारगेट है, मुझे वो रिजल्ट चाहिए, मतलब चाहिए। बहुत सारे लास्ट टाइम भी, लास्ट टू लास्ट ऐसा कुछ केस हुआ था, ठीक है, तो एक बच्चे ने लिटरली, इसको कॉन्फिडेंट था कि मुझे इतने आने ही चाहिए, तो उस बच्चे ने पेपर खुलवाया, ये किया, और उस अगर पेपर में कुछ मार्क्स नहीं आते तो उस बच्चे ने री एग्ज़ाम दिया था और उतने ही रिजल्ट लेके आया था। तो हर एक बच्चे का अपना अपना पैशन होता है। तो यहाँ पर आपके पास हुआ कि आप एक या दो एग्ज़ाम को रीअपियर करके अपने मार्क्स को बूस्टअप कर सकते हैं, बट फॉर देट यू शुड बी कॉन्फिडेंट, ओके, कि आपका मार्क्स बूस्टअप होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो फीस मैंने आपको बताई 130 एंड 185 फॉर वन सब्जेक्ट एंड टू सब्जेक्ट, ये फीस जो है वो गर्ल्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो गर्ल्स को कोई फी नहीं पे करनी है, वहाँ पे आपको आएगा, आप जब फीमेल में टिक करेंगे ड्यूरिंग द लॉगिन रजिस्ट्रेशन, तो आप जब फीमेल में टिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा नो फी करके, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेना। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ओके, उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। तो फीस जो है वो अगर मैं कहूँ तो लड़कों के लिए ही है, तो लड़कों को ये फी पे करनी पड़ेगी। ओके, इतना क्लियर हो गया। आपके प्रिंसिपल मैडम के साथ या प्रिंसिपल सर जो भी हैं उनके साथ बैठ के आप बात कीजिएगा और देखिएगा कि वो आपको इसके बारे में और क्या ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं। अभी तक पोर्टल ओपन हुआ नहीं है, जैसे ओपन होगा मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी, आपको पता चल जाएगा, बट आपका अभी शुरू हो जाना चाहिए स्टडी करना। तो अभी एक भी दिन, एक भी घंटा वेस्ट मत करना बच्चे, और बस जम के इसकी तैयारी करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बच्चे, मतलब थोड़ी थोड़ी एक या दो मार्क की वजह से बेचारे बच्चे फेल हो गए हूँ, ठीक है। तो वो क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम भी इजी नहीं होता है, मैं पहले बता दूँ, उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर अभी तक का एक्सपीरियंस देखें ना, तो शायद कंपार्टमेंट एग्जाम में जो बैठने वाले बच्चे होते हैं, मतलब पूरक एग्जाम में जो बैठने वाले बच्चे होते हैं, उनका अगर मैं बोलूँ ना बच्चा, तो लाइक
10 to 15% पास होने जितना ही रेशियो है, ज्यादा रेशियो है भी नहीं, ठीक है। तो वो एग्जाम भी टफ मानी जाती है, टफ रहती है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन तो बिल्कुल बोर्ड वाली ही करनी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द बोर्ड एग्जाम। ओके, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने पूरा का बता दिया, अब इसी के अंदर मैं पॉइंट नंबर टू ले रही हूँ। पॉइंट नंबर टू ऐसा है कि कुछ बच्चों ने देखा है कि उनके रिजल्ट में 35, 3300 में से दिया हुआ, पर फिर भी उनको फेल कहा गया है। वो बच्चे कंफ्यूज है कि क्यों, हमारे 100 में से 35 तो हैं और 33 पे तो पासिंग है, तो हम लोग क्यों फेल हैं। तो बच्चा देखो, जब तक आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स का जो स्टैंडर्ड है वो नहीं बैठता है, तब तक आप पास नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर जो थ्योरी एग्जाम में दिया, बोर्ड का एग्जाम दिया 80 मार्क का, उस 80 मार्क के एग्जाम में आपके 80 में से, ठीक है, 80 में से आपके आए हैं 20, क्लियर हुआ, ठीक है, और आपको स्कूल इंटरनल्स में 20 में से समझो 15 दे दिए, तो क्या हो गया, 20 + 15 = 35 आ गए, ठीक है। तो आप बोलोगे 35 तो है, बट नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में 80 में से 26 लाना कंपलसरी है, मतलब है, ठीक है। तो अगर आप 80 में 26 नहीं लेके आए हुए, भले आपका टोटल 35 हो जाए, 33 से ज़्यादा हो जाए, फिर भी आप पास नहीं कहलाएंगे। तो ये एक है, तो जिन बच्चों का ये इशू है, ठीक है, कि अगर सोच रहे हैं कि हम बोर्ड में जाएंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, तो मैं आपको उस चीज़ का आंसर अभी बता देती हूँ। तो इसके लिए आप जो है वो पास नहीं कहलाएंगे। तो बेसिकली 80 में से 26 मार्क्स, ओके, और 20 में से 7 मार्क्स, ये लाना भी ज़रूरी है, ठीक है, ये लाना भी ज़रूरी है। अब अगर समझिए कि आपके स्कूल ने आपको 4 मार्क दे दिए हैं, हालांकि कोई स्कूल देता नहीं है, बट मैं एक्सट्रीम केस ले रही हूँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस ले रही हूँ, ठीक है। तो आपको 4 मार्क दिए हैं और आपने भले बोर्ड में कवरअप किए हैं 26, ठीक है, तो प्लस करोगे तो आपके टोटल तो हो जाएंगे, बट अगेन यार 30 आपने कवरअप किए और प्लस करोगे 4 तो 34, 35 जितने हो जाएंगे, ठीक है। तो बट फिर भी आपके इंटरनल जो है वो 7 नहीं है, तो आपको 7 इंटरवल चाहिए, इंटरवल मतलब कि इंटरनल मार्क्स, सॉरी क्या इंटरवल, इंटरनल मार्क्स, ठीक है, तो वो आपको चाहिए। तो एक ये फंडा, ये पॉइंट नंबर टू क्लियर हो गया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन मैंने डिस्कस किया अबाउट द फीस एंड ऑल दैट अबाउट द पूरक एग्जाम जो जुलाई में कंडक्ट होने वाली है। सेकंड पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया कि जो बच्चे 35 हैं पर फिर भी कह रहे हैं कि हम फेल हैं, तो उसका रीजन मैंने बता दिया क्यों है। और थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट ऐसा है बच्चों कि अगर कोई बच्चे का मन परिवर्तन हो गया कि यार साइंस लेना है, अच्छा है ना, साइंस ले सकते हैं यार हम लोग, और जाना मैथ्स में है, ठीक है, या तो ग्रुप ए में जाना है मैथ का है, या तो ग्रुप ए बी में जाना है जिसमें मैथ और बायो दोनों है, ठीक है, तो अब क्या करें, और आपने लिया तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो ये पूरक परीक्षा जो है वो उन बच्चों के लिए भी है जो आइसोलेटेड एक कॉलम आएगा, ठीक है, उसको आप फिल कर लेते हैं, और उसमें आप ये करते हैं कि मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आप स्टैंडर्ड मैथ का एग्ज़ाम देकर उसमें अच्छा सा रिजल्ट पास हासिल करके आप ग्रुप ए और ग्रुप ए बी 11 साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपको गुजरात बोर्ड देता है इन द जुलाई एग्जाम। तो जिसका ऐसा हुआ कि मन परिवर्तन हो गया, ठीक है, मैंने बेसिक क्यों लिया था यार, मेरे को स्टैंडर्ड लेना था, मैं साइंस करता, मैं ये करता, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो ऐसा कुछ है तो गो फॉर इट, ठीक है, स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। आपका तो एक ही सब्जेक्ट रहेगा स्टैंडर्ड मैथ्स, बस पूरा आपके पास लाइक वन मंथ या वन मंथ एंड 15 डेज जितने हैं आपके पास, गो फॉर इट, अच्छे से मेहनत कीजिए और स्टैंडर्ड का पेपर को अपियर कीजिए और ले लीजिए साइंस में एडमिशन। हाँ, अगर आपको बायो में जाना है देन यू डोंट नीड, ओके, बायो के लिए आपको बेसिक मैथ्स चलेगा, आपको उसमें स्टैंडर्ड मैथ्स जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। सो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए डू लेट मी नो, आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए तो बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिलता जाए। तो चलो बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।